प्रैक्टिकल आसानी से हो रहा है महाराज, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता महाराज, बहुत कृतज्ञता। बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अरिहणं, नमो बुद्धायानं, नमो लोहे सर्वसाधनं, एषु पञ्च नमकानु सर्वभावपणासनं, मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवै मंगलम्। अरे क्लास बंद करने की जरूर नहीं है, आज संडे है, जनरल क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपके लिए रखा है, अभी हमारे पास में 20-25 मिनट और है, बाद में उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र की क्लास जैना की शुरू होगी, तो आज आपको सबको गुड चांस अच्छा है। जिनको दोज हु वांट टू आस्क द डिफरेंट क्वेश्चंस, एनी जनरल क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बोलिए। आज चलिए तो महाराज साहब, मेरा ये प्रश्न है, आपने बोला था कि रात को सोते वक्त तो एक तो अरहंतो महादेवो, वो दो लाइन बोलना तो वो अच्छा, मतलब सम्यक दर्शन के लिए बहुत अच्छा है, वो भाव भी आ रहा है। और अभी आपने बताया ईर्यापतिक स्तोत्र, तो उसके आगे वो तस्वति लोगस और शक्र स्तुति भी बोलना है या सिर्फ ईर्यापतिक स्तोत्र से? तो एरियावी पूरी कब होती है, आप एरियावी इच्छामी घमासनों से एरियावी बोलेंगे, तस्वति बोलेंगे, फिर अन्नत बोलेंगे, फिर एक लोगस अथवा चार नकार का अवसर करेंगे, फिर ऊपर लोगस बोलेंगे, ये शॉर्ट प्रतिक्रमण पूरा हो रहा है। एक एरिया वही, इतना छोटा सा शॉर्ट का प्रतिक्रमण आपका पूरा हो रहा है ना, तो बोलना अच्छा ही है, ज्यादा अच्छा है। ठीक है महाराज साहब, लेकिन अभी आप कभी ऐसा भाव रखोगे कि तस्य उत्ति लोगस, तो पता है महाराज साहब आप काफी बार बताते रहते हो, और नमत हुनंग, ये दो स्तुति का कभी आप ऐसे ही खोल के बताएंगे महाराज साहब, मतलब मीनिंग? हाँ जरूर 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 करेंगे। हाँ कृतज्ञ उसमें मेरा सर। हाँ जी बोलिए सर। बिंदा बहन जी, मैं से if possible if you could finish the second half then right now, the second half of the lesson, or is it too long to finish? No, I can do immediately now also, but right. Today is the class for the general question answers na, those who want to ask the question, you see. So many people have different questions, so they are not getting the proper time to ask the question. So today this is the zero hour question hours. So then Paryaya and Prakriti, because you say division, so it does, I know Paryaya is the development, right? Paryaya, it is the form, different shape and size or form, you see. Atma, Jivatma is the main substance. And we become as a human being. So this is the human being Paryaya. No doubt, the same Atma, it is in the ant, same Atma, it is in the bee, and same Atma, it is in the animals and the birds also. But we are as a human being. So this is our human being Paryaya. This is the animal Paryaya. This is the birds Paryaya. This is the ant Paryaya. Parya in the sense the Jivatma had done this type of physical body and which is living in that physical body, this is the particular Parya. So then the Prakriti is the division. And Prakriti in the nature. Sometimes Prakriti of the soul and sometimes the Prakriti of the karma. Oh, thank you. Soul ki, Atma ki, Prakriti, it is according to the main properties of the soul. Atma ki jnan, darshan, charitra adi, gun ki jo hai, un gun ki anusar unki jo activities hoti hai, wo gun prakriti, atma prakriti. But if it is according to the karma, then totally different hai, ki wo kaise karma se chal. Haan ji, bolo kaka, puchhu che. Sahib, haan ji. Sahib, bhakta amar gamme tarah boli saka ke amuk time aj boli saka. ना भक्तामर गमे तेरे बोला है, इसका कारण ये कि ये सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति है, ये कोई आगम शास्त्र नहीं है, कोई ऐसा ग्रंथ आगम नहीं है, इसलिए वो चिंता मत करिए, ये सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति स्तवना है। जब हम दूसरी स्तुति स्तवना किसी भी टाइम बोल सकते हैं तो ये भी बोल सकते हैं। अच्छा मथेर वंदा भी बोलिए दिलीप जी। हाँ मथेर वंदा जी, एक बहुत दिनों से
पूछना था। श्रीमद जी का एक चार लाइन है, पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग थी ऊर्ध्व गमन ते सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो अपूर्व अवसर है वो कह रहे आवश्यक। तो इसमें जो ये है पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग थी, ये कौन से पूर्व प्रयोग अपेक्षित? पूर्व प्रयोग आदि कारण का मतलब अब जब आत्मा को यहाँ मोक्ष में जाना है तो यहाँ से जीव जाएगा ना। अब जो आत्मा जाएगी वो यहाँ से जाएगी। अब वो जाने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, एक समय में पहुंचना है मोक्ष के अंदर। तो यहाँ पर ये आत्मा जो जिस प्रकार का जैसा शरीर धारण करके बैठी है, अब इस आत्मा को अपनी तरह से कर्म क्षय करना है। तो जैसे ही कहते कि भी आप तीर धनुष चलाते समय पूर्व प्रयोग करके कैसे धनुष छोड़ते हो, या आप पिस्तौल या बंदूक लेकर के पूर्व प्रयोग मतलब उसके पहले जो आप जो बंदूक का या जो उसको स्टार्ट करने के लिए घोड़ा खींचते हो और फिर कैसे बंदूक की गोली जाती है। तो यहाँ पर भी आत्मा अपनी तरह से सर्व कर्म क्षय करके मुक्त होती है, तो स्ट्रेट कैसे आत्मा सीधी जो है ऊपर की दिशा में चली जाती है, ऐसा वर्णन वहां लिख रहे हैं। तो ये पूर्व प्रयोग की क्रिया हुई, मतलब ये है। हाँ बोलिए पूर्वाल जी, सरिता पूर्वाल। हाँ महाराज साहब, महाराज साहब मुझे ये जानना था कि महीने में जैसे मांगलिक प्रतिक्रमण चार होते हैं या फिर दो? महाराज साहब दो, 13 को ही होते हैं ना, 14 के अगले। आठम को पर संसार दावा बोलते हैं। आठम को तो वो तो स्तुति है ही है, आठम की स्तुति बोलनी है तो संसार दावा ही बोलनी है, वो मांगलिक नहीं है। 14 के पहले अगले दिन 13 को करते हैं तब आपका मांगलिक प्रतिक्रमण। दोनों 13 होता है? हाँ जी दोनों 13। ठीक है महाराज। हाँ तो अभी श्रेणी महाराज पहले नरक में सायिक सम्यक्त्वी है, तो सम्यक्त्वी होने के बावजूद भी उनका कसाई तो वहाँ पे तीव्र होगा ना हमारा सब, नरक में वेदना झेल रहे हैं तो? नहीं है, क्यों नहीं है, कसाई इतना तीव्र नहीं है। एक तो स्वयं जो है सायिक सम्यक्त्वी है, ज्ञान भी है, जागृति भी है, नया कर्म बांधना नहीं है, ये पूर्व संकल्पानुसार वहां पर उनकी स्थिरता काफी अच्छी बनी रहती है। ये जानते हैं कि मैंने पाप किया और मैं नरक में आया हूं तो मुझे संसार नहीं करना है, ये बात। वैसा कोई जरूरी नहीं है कि उनके कसाय तीव्र बने। हाँ कसाय अब बचे कौन से हैं, अनंतानुबंधी चार तो निकल ही गए, पहले ही क्षय हो गए। अब अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संजलन बचे हैं, तो नरक के अंदर नारकी जीवों की वेदना वगैरह तो होनी होनी है ना, तो वो उसमें अपनी तरह से आत्म गुणों के आधार पर समता शांति नम्रता रख करके सहन जरूर करते हैं, इसलिए कसायों से बचने का पूरा भगीरथ प्रयास करते। हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। जी मैंने ऐसे सुना है समोसरम की जमीन से अदर रहता है। नहीं 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 किसने कहा? मैं ऐसा सर जी कुछ ये वीडियो कुछ आए तो उसमें मैंने पढ़ा तो मुझे डाउट लगा, मैं बोला क्लैरिटी। नहीं नहीं सर जमीन से अदर कहीं पर भी ऐसा पाठ भी नहीं है कहीं। अच्छा। पर भी हाँ जी ठीक बोलिए, अब किसको बोलना है पूछना है और बोलिए। इलेवन मथे नंदामी, अभी लास्ट वीक आपने फरमाया था सुबह उठ के अपने को प्रेयर्स करनी है कुछ, वो मैं समाइक में थी तो क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं कर पाई, तो जरा प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए ना। तो प्रेयर जो है प्रार्थना, जो ऐसे अभी आचार्य जी ने बताया अरहंतो भगवंत, ये प्रार्थना है ना तो अवश्य करिए। परमात्मा की वंदना है, परमात्मा के गुणों का स्मरण करके जो हम वंदना करते हैं वो प्रार्थना हो गई। और ये इरियावी वगैरह जो है ये क्षमापना के लिए है सब, कह लाया कि नहीं। तो ये खास करके पूरे दिनचर्या
हमारा दिन का पूरा समय बीत रहा है और कितने पाप मैंने किए हैं, कौन से पाप कैसे किए इकट्ठे हो गए, तो मुझे रात को सोने के पहले क्षमापना करनी जरूरी होती है। बात इतनी सी। आपने महाराज सुबह की प्रेयर्स बताई थी, आज ही सुबह की प्रेयर करिए ना, बहुत अच्छा है। नहीं, आपने कुछ फरमाया था कुछ पर्टिकुलर वे करने का। मैं स्तुति बताई थी कि अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धा सिद्धेस्तिता, ये पंच परमेश्वर भगवंत की प्रेयर है, प्रार्थना है। और दूसरे भी है, जैसे लोगस भी आपको देख लेना है, जय वीरा, ये भी प्रेयर सूत्र है समझे के लिए। ये अब मुझे वो ध्यान में नहीं आया है कि आप बोलिए खुशबू जी। साहब जी, जनरल बेसिक क्वेश्चन है कि प्रदक्षिणा लेने का महत्व क्या होता है डेरा सर में? तो देखिए, तीन प्रदक्षिणा देने का मतलब, फर्स्ट प्रदक्षिणा इज फॉर कन्फेशन। व्हाट टाइप ऑफ द कन्फेशन के है, भगवान मैं इस चार गति के संसार चक्र में परिभ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, इनफिनिट नंबर्स ऑफ द बर्थ एंड डेथ साइकिल के अंदर जस्ट रोटेटिंग अप। तो ये जस्ट फॉर कन्फेशन, हम पहले ही मंदिर में एंटर होते ही, प्रवेश करते ही, हम अपनी तरह से जो है ये खाली भगवान की स्तुति स्तवना करने नहीं बैठ जाते तुरंत, पहले आपको भगवान की प्रदक्षिणा देनी है। और जस्ट टू कन्फेस दैट, हे भगवान, मैं तो संसार के जन्म मरण के चक्कर में घूमता ही जा रहा हूँ, मतलब विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी एक जो है एक विदाउट एनी अचीवमेंट, मैं तो घूमता ही जा रहा हूँ। फिर सेकंड के अंदर आप देखेंगे दर्शन ज्ञान चारित्र आदि है, उन गुणों के लिए आप कर रहे हो, तो ये और भी विशेष अच्छा है कि आत्मा के गुणों को प्राप्त करने के लिए करना है। फिर तीसरी जो है चैत्य संचय कर्मनो, कर्म क्षय के उद्देश्य से आप कर रहे हो। तीन प्रदक्षिणा देकर अब हम भगवान के सन्मुख आते हैं, फिर भगवान की स्तुति स्तवना उनके गुणगान करते हैं, ये विशेषता है। बोलिए जी, दुनिया जी बोलिए। हाँ, हमारा सा प्रश्न ये था कि चर्माव्रत में प्रवेश करने के बाद आत्मा कारण यदि वो ग्रंथिभेद नहीं कर पाई तो नहीं ना ग्रंथिभेद निश्चित होगा ही। यदि चर्माव्रत में तो अनंत जन्म बीत रहे हैं ना, चर्माव्रत में आप आ गए तो आपको तो अनंत जन्म बीताने हैं वहां पर, तो यहाँ से आपने ये चर्माव्रत शुरू किया है। अब ये चर्मावर्त में आते 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 ये कितने जन्म बिताते जाओगे ना, तो यहाँ आकर के अब आप यहाँ पर ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे। अब आपने कहा कि ये जीव आ गया चर्मावर्त में, अब कहीं ना कहीं उसको क्या तकलीफ है, क्या जो चर्मावर्त से कोई रिवर्स उसको वापिस जाना है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं महाराज, चर्माव्रत तो लास्ट आवृत हो गया, भी अब उसको ये लास्ट आवृत है, करने यदि वो ग्रंथिभेद नहीं किया कर पाया तो फिर उसका काल तो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना, इसमें क्या है, नहीं करेगा तो यहाँ करेगा। अच्छा, आप कहीं ना कहीं तो करना ही है, क्या मतलब निश्चित रूप से होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से होगा ही। अच्छा महाराज साहब, की मतलब नरक गति में जाने का मुख्य कारण मतलब मांसाहारी है क्या महाराज? बहुत से कारण है, एक ही थोड़ी है, महाआरंभ, परिग्रह, हिंसा, मांसाहार, मद्याहार जो है, प्राणातिपात का है, मिथ्यात्व के हैं। अब सभी के अंदर जो है 18 ही प्रकार के पाप है, कोई भी पाप आपको नरक में ले जा सकता है, लेकिन जो मेन कारण मुख्य जो है वो ये है कि आप अनंत काय के जीवों की हिंसा करो, मांसाहार करो, मद्याहार करते जाओ, ये सबके अंदर, क्योंकि मुख्य प्रमाण है ना, ज्यादा प्रमाण में जीवों की हिंसा होगी तो ये सब नरक गति का कारण बनेगा ही बनेगा। अब कसाय वृत्तियां तीव्र बनेगी, लोग कसाय वृत्ति में कौन सा पुण्य करेंगे, फिर नहीं करने के गलत काम करेंगे, गलत पाप करेंगे, ऐसे करते ही रहेंगे।
बोले नीति बेटी आपको आप चले गए थे, आपको पूछना है, 400 क्वेश्चन आंसर चल गए। महाराज साहब इसके रिलेटेड एक था कि अर्धपुतगल परावर्त आप बता रहे हो तो उसका कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट डिफाइन किया कि अर्धपुतगल परावर्त इतना टाइम के अंदर होगा? फिगर फिक्स नहीं होता है। अर्धपुतगल परावर्त में भी अभी जीव के पास अनंत जन्म बिताने का टाइम है, ख्याल आया? लेकिन आपको जितना रिड्यूस करे उतना कर ले, क्योंकि कसायों से काल बढ़ेगा, भव बढ़ेगा, और कसाय घटेंगे तो काल घटेगा, भव घट जाएंगे, इसमें जाना है। हाँ जी बोलिए साबिलावेल जी, बोलिए। हाँ मथिन अंदामी, मेरा क्वेश्चन था, प्रतिक्रमण में हम वेरियस टाइप ऑफ पोजीशन में बैठना उठना होता है तो उसका रीजन क्या है? कुछ कुछ सूत्र। हाँ, नमोत्थुनम जब बोलते हैं शक्र स्तव, तो इंद्र महाराज वैसे बैठ करके उन्होंने स्थापना की थी, तो वो उसके साथ नम्रता की सूचक जो है वो मुद्रा है, दैट पोजीशन स्पेशली। अब वो पोजीशन स्पेशली इंद्र ने अपनी तरफ से बनाई थी, तो आज हम भी उसी पोजीशन में बैठे। चलो अब तीर्थंकरों ने कायोत्सर्ग खड़े खड़े इस तरीके से किए, तो उस तरीके से हम जिन मुद्रा में करें या पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठे बैठे कायोत्सर्ग करना है, क्योंकि ये मुद्राएं हमारी प्रतिक्रमण में आने वाली है अलग अलग। जैसे चैत्य बंधन आप कर रहे हैं तो लेफ्ट घुटना ऊपर रख करके दाहिना पैर नीचे रख करके आप बैठते हो, क्योंकि इंद्र महाराज इस तरह से बैठ करके परमात्मा की वंदना करते हैं। जब भगवान वहां से च्युत होकर माता के गर्भ में आ जाए, या भगवान जब आप जन्म आदि हो जाए, तो देवलोक पे रहे हुए इंद्र अभी वो आए नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहां बैठे बैठे भी अपनी तरफ से वंदना करेंगे, ये विशेषता है। तो इसके निमित्त ये आज की ट्रेडिशन चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन के अंदर ये मुद्रा में बैठ करके हमको प्रतिक्रमण आदि करना है, बस ये बात है। बोले काका बोलो। हाँ प्रणाम साहेब, आपने परिग्रह थी नरक में जवू पड़े छे वो घनी बार सांभळी छे, पण आपने पांच संसार में छे एटले आपने एटला मोटा तो न होइए परिग्रह में, पण पांच अनुव्रत लीधा होय ने परिग्रह परिमाण व्रत लीधेलू होय तो देट हेल्प्स। હા ચોક્કસ ચોક્કસ, ઘણું સારું છે, પરિગ્રહ નું અતિરેક થાય છે ને, ઓવર આઉટ ઓફ લિમિટ, ત્યારે આપણે નરકમાં જવાનો વારો આવે છે। તો સબસે પહેલી એ હે કે અપના લિમિટેશન કર લો। હા લિમિટેશન હમારા ઇતના હો જાયેગા, હા ભી રહેના હે સંસાર મેં, ધીઝ આર ધ નેસેસરીસ, તો મેં જો નેસેસરી હે વો તો રખુંગા હી રખુંગા, जरूरी है वो तो रखना ही पड़ेगा सा, लेकिन आउट ऑफ लिमिट, जहां तुम्हारे 5-10 कपड़ा थी चाले तो त्या 500 कपड़ा शुक्रवार रखवा, उस लिमिट को आप बांध लो तो अच्छी बात है। हाँ गुरुदेव, अपने जब भगवान नी पूजन करवा जाए, पूजा करवा, तो जमणा पग ना अंगूठा थी केम शुरू करवानी? भगवान ना चरण स्पर्श नु पहलो आधार दे छे चरण अंगूठो छे, पण जमणा पगे छे। हां जमणा ज करे ने, आपने कोई पण होय तो राइट थी जे छे स्टार्ट थाय छे, એટલે जमणा पगे स्पर्श करीने पूजा करवी पहली जरूरियात त्यांती उभी थी। अबे भगवान शू छे सांभळो, तमे समोसरण नी अंदर जोयु छे तो समोसरण मा તમને ખ્યાલ આવી જશે, અબ યે દેખીએ કે ભગવાન જબ સમવસરણ મેં દેશના દેતે હૈ तो प्रवचन मुद्रा के अंदर राइट पैर नीचे होता है, लेफ्ट पैर भगवान ऊपर रख करके प्रवचन मुद्रा में बैठते हैं,
और गौतम स्वामी भगवान के राइट पैर के पास में ही बैठते हैं स्पेशली, तो एक तो ये कारण है कि भगवान का चरण राइट पैर वही हमारे लिए वंदना का मुख्य आधार स्थान हो गया तो हम पैदल करते। नंबर दो, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव प्रभु को जो राज्याभिषेक ये अभिषेक किया जा रहा था, भगवान दीक्षा ले रहे थे, तो वस्त्र आभूषण अलंकार आदि सब त्याग करके भगवान जो है दीक्षा लेने वाले थे, तो उनका अभिषेक करना था, तो इंद्रो ने आकर के भगवान को अभिषेक करा के नए वस्त्र आभूषण सब पहना दिए थे। अब वहां के युगलिंग लोग जो थे वो भी चाहते थे हम भगवान का अभिषेक करें, तो वो नदी किनारे अपना द्रोण लेकर के गए थे कि वो लेकर के आए हम भी भगवान का अभिषेक करेंगे। अब उनको थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो आए तो उन्होंने देखा कि अब क्या करें, भगवान तो एकदम सज धज के तैयार है, आभूषण भी पहने हुए हैं, नए वस्त्र भी धारण कर लिए हैं। तब उन्होंने देखा कि बस और कुछ नहीं, राइट पैर भगवान का है, खुला है, उन्होंने अपने भक्ति भाव से राइट पैर के अंगूठे पर अभिषेक किया। तो दैट ट्रेडिशन समझे कि नहीं, वो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चली आ रही है, उसके राइट पैर के ऊपर हम अभिषेक करते हैं। जी मारे से, जैसे हमने सीखा आपसे कि हमारा जो सोपक्रम कक्षा का आयुष्य है कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट या अटैक हो सकता है, तो हमारे साहब हमें क्या ये समझना चाहिए कि जब किसी जीव का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु कब कैसे होगी वो निश्चित नहीं होता, राइट? ऐसे टाइम तारीख बार के साथ आप निश्चित मत करिए, सभी जीवों का एक्सीडेंट होता है ये तो जरूरी नहीं है। अच्छा, नेचुरल डेथ से मरेंगे कब मरेंगे, आयुष्य पूरा होगा तब मरना ही मरना है, तो ये हम नहीं कह सकते कि भी सबका फीस लिखा हुआ है। हाँ, आयुष्य ओवरकम मतलब क्रॉस नहीं करेंगे, आप 100 का लेकर आए तो 100 के ऊपर एक दिन भी, एक घंटा, एक मिनट भी आप क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन अब सोपक्रम का है तो पहले टूटने के चांस कभी भी है, टूटेगा ही, नॉट कंपल्सरी, टूटने जैसा है, ये बात सही है। जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं ना तो हमको मिट्टी का घड़ा देते हैं, हमारे यहाँ पर एक अहमदाबाद का स्पेशल मिट्टी का घड़ा आता है, आपको लगेगा लेकिन वो बिल्कुल इतना कागज जैसा पतला रहता है तो मिट्टी का ही बना हुआ, लेकिन वो वहां के स्पेशलिस्ट लोग जो बनाते हैं इतना पतला कागज जैसा, मतलब ये बोलते हैं ना पुट्ठे जैसा, तो बहुत लाइट वेट होता है, तो लेके चलते रखते हैं, तो हमको बार बार गुरु जी कहते थे ध्यान रखना फूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना फूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो मैंने कहा गुरु जी ये तो फूटने जैसे ही तो है, मटका इतना पुट्ठे जैसा पतला, तो फिर पतला तो रखना पड़ता है, नहीं तो 10 किलोमीटर लेकर के बिहार में चलेंगे कैसे आप, और जैसे ही 10-20 किलोमीटर लेके चले जाओगे तो पानी लाओगे कैसे आप। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, लेकिन फूटने जैसा होते हुए भी आप बार बार एक ही बात, फूटना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए, वैसी बात हो गई हमारे लिए भी साहब। तो हमारे यहाँ कई साधु साध्वी जी जो है वो एक मटके को कई लंबे टाइम तक संभाल लेते थे। वही मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि आयुष्य कैसा है, सोपक्रम की कक्षा का है। सोपक्रम की कक्षा का मतलब क्या हुआ, जो आयुष्य जितना बांध करके लेकर आए हो वो कभी भी बीच में टूटने के चांसेस है, बी केयरफुल अबाउट दैट, आपको सुरक्षित रहना है। देखिए आप भी घर से निकलते हो रोड क्रॉस करना है तो क्या करोगे, फिर आंख मूंद के तो नहीं करोगे। अरे हुआ ऐसा, एक युवक ने ये आपके जैसी बात मान ली, पकड़ ली, और वो तो निकला सब, मैं तो आग मूंद के रोड क्रॉस करूंगा, मेरा तो लिखा हुआ है ना, जब मरना है वो तो फिक्स ही है, जब मरना लिखा है तभी मरूंगा, नहीं तो कभी नहीं मर सकता। वो आग मूंद करके रोड क्रॉस करने गया, बस आ गई सांस।
अब क्या करना? तो वो कह रहे नहीं नहीं मेरा लिखा हुआ है, मेरा फिक्स है, मेरा इतना लिखा हुआ फिक्स है तो ही मरना है, नहीं तो मेरे ऊपर से बस चली जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा। महावीर स्वामी ने ऐसा सिखाया है क्या आपको? नहीं कहला है तो सोपक्रम का है, देर आर द चांसेस ऑफ द हर्डल्स, लेकिन आप अपने सावधान होकर के चलोगे तो उपक्रम नहीं भी आए। आज भी सैकड़ों लोगों के जीवन में हम देखते हैं ऐसे उपक्रम की बातें जब कहीं भी आती है तब हम सोचते हैं क्यों भाई सब क्या हुआ, क्यों भाई साहब क्या हुआ। मैं दूसरी बात नहीं करता, मेरे को जिसका नॉलेज है, मेरी मम्मी जी जो थी माता जी अब वो 96 पर पहुंची, हमने भी उनको पूछा क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसे जो है आयुष्य टूटने के निमित्त आए कि नहीं आए? उन्होंने बताया दो बार आए थे लेकिन मैं सुरक्षित रह गई, एक बार बिच्छू काट लिया था गांव में और फिर भी मैं बच गई तो मैं आज सुरक्षित रूप से जी रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा निमित्त ही नहीं खड़ा किया कि जिसके अंदर मेरी आयुष्य टूटने की संभावना। अब बुजुर्ग अवस्था में 96 में ही एक बार गिर गए थे, चोट लगी, ब्लड निकला, काफी कुछ परेशान हुए, बोला कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस उनका इतना था, आखिर गिरे तो भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब जाने के लिए मृत्यु के लिए नेचुरल निमित्त ऐसे बन गए, बोले मुझे हॉस्पिटल मत लेना, कुछ मत करना संजय गिरी। तो ऐसे नेचुरल निमित्त आते हैं तो जरूरी नहीं है कि उपक्रम मतलब अटैक या एक्सीडेंट आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आ भी सकते हैं, नहीं भी आए, आप सेफ सुरक्षित रह करके अपना जीवन गुजारेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बोले मीना बेन जी। हाँ Mahesh Sahib, I was listening to one of your recent lectures where you had told that Charanavrat we have done infinite number of times. So then, yatha pravritti karan hum, we have done so many times. You see, it is possible. Asankhya bar bhi yatha pravritti karan hota hai, not Charanavrat. Before the Charanavrata, we have done the infinite numbers of the round, round, round. कहला ये जो round हम लेते रहते हैं ना, ये before that, तो यहाँ पर आप जरूर बोलिए ये जो round जितने बीते हैं, ये round जितने बीते हैं, you can say that infinite numbers of the rounds are already passed away. But when we enter in the last one, Sanjay, so this is Charanavrata. If you will enter this in the Charanavrata, it will be first time and it will be the last time. Then you must come near about to the Granthi Pradesha and then you can open your Mithya Granthi and get the Samyak Darshan, then Ardha Bhutkal Paravartana. But to open that Granthi, before that, यथा प्रवृत्ति करण सम ऑफ द पीपल्स आर डूइंग सो मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड बिकॉज़ दे आर नॉट सक्सेस इन दैट सो ओनली इफ इट्स मोक्षधामी आत्मा देन ओनली इट कैन डू द लास्ट वन आमी नो डाउट ही इज मोक्षगामी ही इज एबल इज कैपेबल टू अचीव दैट मोक्ष दैट इज नो डाउट बट To do that yatha pravritti karan, sometime it may succeed, sometime it may not succeed. Then repeatedly he has to do again and again. Thank you. Babaji, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम जब भी मेडिटेशन करते हैं साउथ तक की मुद्रा में स्ट्रेट बैठ के जो आपने बताया वैसे करते हैं, दूसरा काउसक तो अपन ने लगा के बैठे और दूसरा एक कायोत्सर्ग, उसके बारे में समझना था। अच्छा, कायोत्सर्ग कैसे करते? ये जब आपने तो पांच लाइन तो इसी में ले ली साहब, अब इधर टाइम हो गया है, जब मैं इस विषय पर आऊंगा ना तब ये ज्यादा समझाऊंगा। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सब बसा
एसो पंचन मुक्तारु सर्व पाप प्रणाशिनि मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवै मंगलम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतम प्रभु मंगलम् स्थूलिभद्रा जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो ब्रह्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पन्नतो ब्रह्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रपद्यामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शाश्वतम्। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद।